आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए वो यात्रा करते हैं। यात्रा तो वो नकामी को छुपाने के लिए कर रहे हैं ताकि ये लोगों को पता नहीं चल सके। और इसलिए आप सभी भाई और बहनों से कह रहा हूं कि उन्होंने जो रोजगार की बात की, रोजगार तो दिया नहीं कि आज 3 साल हो गया तो आज भी झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति तक नहीं बना पाए। हमने कहा कि भाई आप दूसरों के कंधे पर बंदूक क्यों फेंकते हो, फेंका फेंकी क्यों करते हो? जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं आपके दलालों के ऊपर, बिचौलियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को ले आते हैं मोटी रकम फीस दे करके, तो स्थानीय नियोजन नीति बनाने के लिए भी अब वकीलों को ले आई है झारखंड की धरती में। इस नौजवानों के लिए स्थानीय नियोजन नीति बनाइए ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल सके। आज तो यहाँ के नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उसकी इनको चिंता नहीं है, उसकी अगर से बचे उसकी चिंता नहीं है, किसको बचाने में लगे हुए। जो लोग लुटेरा थे, जो लोग जेल में बंद है, उन लोगों को बचाने में मंत्र लगे हुए। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि अभी जो 27 तारीख को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो अवसर आप सबको मिला है, एक मौका मिला है, पूरे झारखंड की जनता आप सब लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा इस मौका को आप चूकने मत देना। आप 27 तारीख को सवेरे उठ करके जलपान पहले मत करिए, पहले मतदान करिए, और पोलिंग बूथ में जाकर के ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर केला छाप है एनडीए के प्रत्याशी आलसो के उम्मीदवार श्रीमती सुमिता चौधरी जी को भारी मतों से विजय बनावे। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।